हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं खेत में लगाने वाला हूँ दवाई। आज है 25 जनवरी, तो गाइस आज मैं जाता हूँ खेत में दवाई मार देता हूँ, क्योंकि गाइस 26 जनवरी को हमें अपने कॉलेज में जाना है और कुछ प्रोग्राम में मैंने भाग भी लिया है। तो गाइस फिर देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है स्पीच देने का। तो गाइस मैं फर्स्ट ईयर चढ़ूंगा, तो वहाँ देखता हूँ क्या होगा। तो फिर चलिए बाजार चलते हैं, पहले सबसे पहले दवाई लेके आते हैं। दवाई तो लेके आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं दवाई कैसे कैसी है। लेके आ जाऊँगा अभी, और ये तो पाउच है, और बाकी ये दवाई है, ये उसकी है कि जिसमें जो पालक सी घास हो जाती है ना, कट टू कट, ये 100 रुपये की आई थी, और बाकी ये पाउच है, 30 रुपये का पाउच आता, ये तो आप लोग जानते होंगे। सो गाइस चलते हैं और बाकी नीचे सारी चीज़ दिखाते हैं। ये रखी है टंकी और चलते हैं। फिर सकते होगे कि मैं बिल्कुल रेडी होके आ चुका हूँ, घर से बाहर निकल आ जाऊँ और अब चलता हूँ सीधा खेत पर। टंकी ये भरी हुई है पानी से, अभी इसमें दवाई नहीं डाली है, तो दवाई मैं खेत पे जाते ही डालता हूँ। तो चलिए फिर और आता हूँ। और मम्मी यहाँ पर अभी तक नहीं आई है, तो यार मैंने मम्मी से बोला था कि बाल्टी लेके आ जाना, तो वो अभी तक नहीं आई। बट ऐसा हुआ कि मैं टंकी है ना ये भर के लेके आ जाऊँ, तो यार मैं दवाई डाल के इसमें और लगाने की स्टार्टिंग करता हूँ। सुबह से देख सकते हो अभी आप लोग टंकी किस तरीके से लगाई जाती है, वो तो आप लोग जानते होंगे, बट जो लोग सिटी के होते हैं ना गाइस, वो नहीं जानते हैं गेहूँ में कितनी के अटैल होती है, कि क्या करना पड़ता है, किस तरीके से दवाई मरती है, तब हमें गेहूँ खाने के लिए मिलते हैं गाइस। सो सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो अभी इस तरीके से दवाई लगती हैगी, और बाकी आप लोग जान ही सकते होगे, तो बने रहना वीडियो में और देखते रहना। तो फाइनल यार देख सकते हो कि मैं भर के लेके आ चुका हूँ, और चलते हैं फिर। यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई भरने में, क्योंकि यार काफ़ी दूर है पानी भरने के लिए जगह। यार देख सकते हो, ओ भाई इतना हार्डवर्क होता है, किसान ही करना यार, हर किसी के बस की बात नहीं है, सारा कुछ अकेले करना पड़ रहा है। और अभी भी यार 5 टंकी लगानी है, बट ये जा रही है 3री। तो गई टंकी थोड़ी, तो चलते हैं। सारा कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अब है लास्ट टंकी, और इसे मारने के बाद चलते सीधे घर। यार देख सकते हो कि किसानी किस तरीके से होती है कि, और मैं आपको बता दूं कि यार मैं जब वीडियो बना रहा था ना, कुछ लोग तो यार पागल बता रहे थे यार ये क्या कर रहा है। तो यार मैं तो भाई देखिए अपना दवाई लगा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ साथ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट चलिए यार इसे टंकी को भी मारते हैं, फिर सीधे चलते हैं घर के लिए।
यार ये बिल्कुल लास्ट टंकी देख सकते हो खाली है। और ये देखिए फिर डलिए पानी में, फाइनली यार मैं आ चला घर पर। और ये देख सकते हो स्टैंड ले गया। वैसे यार आप लोग देख सकते होगे कि मैं अभी भी आना जाऊँ, क्यों यार सर्दी बहुत तेज लग रही थी। और हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अभी खेतों पर, और मैं आपको ये बताने वाला था जो कि आप लोगों ने यार हार्डवर्क देखा था। मैं वैसे इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था, बट मैंने बनाया और मैंने कहा सोचा कि इसका भी थोड़ा सा बतानी चाहिए लोगों को। सिटी के जो होते हैं ना वो कहते हैं अरे खेतियों में और गांव में बहुत मज़ा आता है, ये है वो है। तो यार मैं बता रहा हूँ गांव में रहने वालों को, पूछिए किस तरीके से होता है। और देखा ना 7-8 टंकी जो मैंने अकेले ही मारी थी गाइस, और बाकी वो तो ठीक है जो करना ही पड़ेगा, बट यार इसमें गैयों का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। देख सकते हो हर खेती पर तार लगा हुआ है अभी। गाइस कल है 26 जनवरी, तो कल के लिए थोड़ी सी पोई मैंने मतलब याद करके रखी है, और कुछ 26 जनवरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। और तो देखते हैं यार कैसा रिएक्शन होगा मेरा, क्योंकि फर्स्ट बेर जब मैं यार चढ़ूंगा तो मैं पता नहीं यार जो भी अंदर से फीलिंग होगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस उसका भी ब्लॉग बनने वाला है बहुत जल्द, तो यार अगर आप लोग चैनल बनना ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।